सर पीटीए के बड़े बड़े लोग तो छोड़ गए हैं, फवाद चौधरी है, वो तो सनम नहीं जानता, मैं नहीं जानता फवाद चौधरी वगैरह कौन है, वो कौन सा कोई करेक्टर वाला आदमी है, करेक्टर लेस लोग हैं। उनको जहाँ से हदायात ऊपर से हदायात आती हैं, कभी वो पीपल्स पार्टी में आके जरदारी साहब के चट्टा करता था, तो कभी वो तो जिसको मालिक जहाँ भेजेगा वहाँ चला जाएगा। सर अतार तारड़ क्यों पर्सनल हुए हैं सनम जावेद से? अतार तारड़ का जो बाप दादा था ना रफीक तारड़, वो नवाज शरीफ वगैरह का एजेंट था उस ज़माने में। 92 में नवाज शरीफ हमारे खिलाफ केस बना के हमारे मुद्दइयों के हाथ पे स्टार बना के भेजा करता था अतार तारड़ के पास। उस वक्त वो बेनज़ीर साहिबा को ब्लैकमेल करना चाहते थे, हमने उस वक्त उनकी ब्लैकमेलिंग एक्सेप्ट नहीं की थी, तो और उस पर उन्होंने मेरे एक भाई को कत्ल करवाया था, एक को 70 साल कैद करवाई थी और एक को सजाए मौत करवाई थी। फिर बीबी की गवर्नमेंट आई तो रीट्रायल्स में हम सारे केसेस से भरी हुए थे। अच्छा सर ये बताइएगा, ये कहा जा रहा है कि वो डंडे लेकर उस दिन पहुंची हुई थी और डंडे बरामद किए गए हैं? वो अभी तो सिर्फ उनसे डंडे बरामद किए गए हैं, गवर्नमेंट चाहती तो ये भी इल्ज़ाम लगा सकती थी कि जी उन्होंने एटम बम चोरी कर लिया था, उनके घर से बरामद कर लिया या उसकी जेब में पड़ा हुआ था। ये तो अहमकाना बात है, उसके हाथ में सिर्फ वो, अगर आप सोशल मीडिया पे उनकी वीडियोस देखें तो उसके हाथ में सिर्फ उस वक्त एक मोबाइल था, और वो मोबाइल वो जना हाउस के ना नज़दीक गई है ना रेड एरिया में गई है, और उसने रेड एरिया से बाहर बल्कि लोगों को रोका, और उसकी ये रिकॉर्ड भी एक वीडियो मौजूद है जिस पे वो ये कह रही है कि ये लोग तो पीटीआई के हैं ही नहीं, ये कौन लोग हैं जो अंदर घुस रहे हैं, इनको रोको। जब वो कहती है कि ये नहीं सुन रहे तो मैं तो पीछे जा रही हूँ, मतलब उसका किसी भी किस्म की तोड़फोड़ या किसी भी किस्म की जो प्लानिंग है उसमें कोई रोल नहीं है, ना उसका पीटीआई की एग्जीक्यूटिव तक उसकी मीटिंग में उसकी बैठना उठना था ना होती। वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है और वो हर आदमी को हक है अपना सोशल मीडिया पे जो भी उसका पॉइंट ऑफ व्यू हो, जिसको वो मैं पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। सर कई बार राजा से उनके हवाले से बता दें कि उनका केस भी आप लोग ही प्रोसीड कर रहे हैं, क्या उनकी फैमिली से कोई आया है? कोई नहीं, उनके वालिद कोई आज से कोई 3-4 दिन पहले मुझे ATC कोर्ट में मिले थे, तो वो नहीं प्रोसीड करने की पोजीशन में, शायद फाइनेंशियली वो कुछ प्रॉब्लम में है। मैंने उसके केस के लिए अलग से एक वकील हायर किया, उसी के लिए मैं हाई कोर्ट आया था। मेरा केस तो ऑलरेडी हमने सबमिट कर दिया है उसके लिए बेल के लिए, अभी उसके लिए मैं आया था ताकि उसकी भी बेल सबमिट हो जाए। थैंक यू। सनम उसका वो बी क्लास बनता है, वो मैक्सिमम टैक्स पेयर है, लेकिन उनको कोई फैसिलिटी नहीं दी जा रही, उसी तरह जो सी क्लास कैटेगरी में कैदियों को रखा जाता है वैसे रखा गया सब कैदियों। सर आपने बी क्लास के लिए तो होम डिपार्टमेंट को दरख्वास्त देना पड़ती है? नहीं, मैंने अभी तक, क्योंकि अभी हम लोगों को शदीद किस्म की मुश्किलात का सामना है, पुलिस वाले जो हैं गैर कानूनी गैर आइनी तौर पर मेरे घर में मेरे जो पेरेंट्स हैं भाई हैं उनके घरों में रेड कर रहे हैं, और हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम अभी फैसिलिटीज़ के लिए बात करें, अभी तो हम उनको बेल आउट करवाना चाहते हैं। अच्छा शुरू में तो सर कहा गया कि आपको कहा भी गया कि आप ये कोई एफिडेविट दे दें, तो रिसेंटली भी सोशल मीडिया पे खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आप लोगों को कहा गया कि एफिडेविट दें, और वही है, लेकिन वो पहले दिन भी हमने इससे इनकार कर दिया था, आज भी इनकार कर दिया है, क्योंकि अमली तौर पे तो सनम जो है वो पीटीआई की किसी भी ओहदे पे फाइज नहीं है, वो बुनियादी तौर पे एक अपना चैनल चलाती है और वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है। अगर अब तो ये हमें फोर्स कर रहे हैं कि हम उसके पीटीआई की जो तंजीम है उसमें जाएं, ना कि अब पहले तो नहीं है, अब वो जाहिर है, अब अगर आप किसी आदमी को किसी बात पे चढ़ा देंगे और अब वो उसकी ज़िद बन गई है, तो अब वो जो भी करेगी मैं उसके साथ